Hello guys, so today in this video we'll review on AOT Academy of Technology, which is the most popular engineering college in West Bengal. So introduction से start करेंगे, उसके बाद college का पूरा infrastructure देखेंगे, college में क्या क्या affiliation है वो देखेंगे, college क्या क्या courses provide करता है वो देखेंगे, हर एक course में कितने branch and intake capacity है वो देखेंगे, admission eligibility criteria क्या है वो देखेंगे, then हर एक course का fee structure देखेंगे and most important placement record देखेंगे जो इस कॉलेज में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ओके एंड लास्ट WBJEE एंड JLET का कट ऑफ देखेंगे. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. सो AOT, दिस मींस एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, इज वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टार्टेड इन 2003 एंड व्हिच इज लोकेटेड इन आदिसप्त ग्राम हुगली वेस्ट बंगाल. सो ये कॉलेज दो चीज में फेमस है. फर्स्ट है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है. सामने जो लेक है वो आप लोगों को देखने को ज्यादा अच्छा लगेगा. और दूसरा है इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड. प्लेसमेंट रिकॉर्ड 2022 में बहुत ही अच्छा गया है एंड बाकी यार में बहुत ही अच्छा है. और प्लेसमेंट रिकॉर्ड एकदम ओपन है, आप लोग पूरा देख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगा. सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं अभी इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सो इस कॉलेज में आपको टोटल 32 क्लासरूम देखने को मिलेगा, 12 आपको ई क्लासरूम देखने को मिलेगा, 49,656 आपको लाइब्रेरी में बुक्स देखने को मिलेगा, टोटल 46 लैब देखने को मिलेगा, वर्कशॉप देखने को मिलेगा, 957 कंप्यूटर्स देखने को मिलेगा, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी देखने को मिलेगा, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिलेगा. टोटल 300 सीट है बॉयज हॉस्टल में एंड 140 सीट है गर्ल्स हॉस्टल में, और एक गर्ल्स एंड बॉयज के लिए कॉमन रूम देखने को मिलेगा. ठीक है, सो ओवरऑल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, आप लोग पूरा देख सकते हो. और सामने लेक, उसके बाद ये बिल्डिंग्स, ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. ओके, और आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ये रहा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर, आप बेझिझक कॉल कर सकते हो एंड आपका जितने भी क्वेरी होगा वो सॉल्व किया जाएगा, देन आप फाइनली एडमिशन ले सकते हो. ओके, सो बिल्कुल इस नंबर पे आप कॉल करना एंड जो भी क्वेरी होगा आप लोग पूछ सकते हो. ठीक है, सो पूरा फैसिलिटी देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. इस कॉलेज में आपको क्या क्या एफिलिएशन देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं. तो दिस कॉलेज अप्रूव्ड बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एफिलिएटेड बाय मकाउट, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, एंड अप्रूव्ड बाय UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. एंड इस कॉलेज में आपको NAC, MBA, NIRF रैंक बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा. बट प्लेसमेंट सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है इस कॉलेज में. ठीक है, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो. सो अभी आता है ये कॉलेज क्या क्या कोर्सेस प्रोवाइड करता है. तो फर्स्ट है BTech, सेकंड है MBA, थर्ड है MCA. सो आप BTech फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो, BTech लैटरल में एडमिशन ले सकते हो, MBA एंड MCA में एडमिशन ले सकते हो. सो आप अगर इस कॉलेज में BTech एंड BTech लैटरल में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है मैं आप लोगों को बता देता हूं. सो BTech के लिए कैंडिडेट्स विद अ वैलिड रैंक कार्ड इन वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड और JEE मेंस. ओके, इन WBJEE एंड JEE मेंस का आपके पास रैंक कार्ड होना चाहिए तभी आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकोगे. BTech lateral के लिए कैंडिडेट्स शुड बी डिप्लोमा होल्डर्स फ्रॉम एनी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड हैव ए वैलिड स्कोर इन JLET examinations. ओके, सो आप कोई भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से डिप्लोमा पास होना चाहिए एंड JLET का वैलिड स्कोर आपके पास होना चाहिए तभी आप AOT में एडमिशन ले सकते हो. ओके, और दोनों के लिए स्पेशल मेरिट कम्स मेन स्कॉलरशिप मिलेगा. BTech फर्स्ट ईयर के लिए 240,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा और BTech lateral के लिए 180,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा. ठीक है, सो अभी आते हैं BTech में क्या क्या ब्रांच आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड हर एक ब्रांच में कितने इंटेक कैपेसिटी है. ओके, सो फर्स्ट है BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें इंटेक कैपेसिटी है 180. MBA आपको देखने को नहीं मिलेगा और नंबर ऑफ फैकल्टी 30, सबसे ज्यादा फैकल्टी आप लोग देखने को मिलेगा इस कॉलेज में. ठीक है, उसके बाद BTech के ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 180 इंटेक कैपेसिटी है, MBA देखने को नहीं मिलेगा, 30 टोटल फैकल्टी है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 इंटेक कैपेसिटी, MBA देखने को नहीं मिलेगा, 18 फैकल्टी है. ठीक है, मैकेनिकल में 60, MBA देखने को नहीं मिलेगा, 18 फैकल्टी है. और CSBS के लिए 60 और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ट्रिपल ई के लिए 60. ओके, सो यही एक
दूसरा कॉलेज है जिसमें ट्रिपल ई मिलता है, ठीक है, अवेलेबल है, जिसमें ट्रिपल ई में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो टोटल 6-6 करके आप लोगों को फैकल्टी मिलेगा, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं इसका फी स्ट्रक्चर। तो इसका फी स्ट्रक्चर कैसा है, सो आप अगर बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो एडमिशन के टाइम आपको टोटल 69,700 रुपीज देना पड़ेगा, और अगर TFW कैटेगरी में एडमिशन लोगे तो 29,700 आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा एडमिशन चार्ट, आप लोग देख सकते हो। और बाकी सेमेस्टर में आपको 40,000 देना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड और फोर्थ के लिए 41, फिफ्थ और सिक्स के लिए 42, सेवन्थ और एट के लिए 43 आप लोगों को पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। और अगर आप बीटेक लैटरल एंट्री एडमिशन लेते हो तो आपको एडमिशन का टाइम 67,650 देना पड़ेगा एडमिशन का टाइम, और बाकी फोर्थ सेमेस्टर में 41, फिफ्थ और सिक्स में 42, सेवन्थ और एट में 43 आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी आते हैं MBA में अगर एडमिशन लेते हो तो एडमिशन का टाइम आपको 1,06,000 देना पड़ेगा, और बाकी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में 75,000 आपको देना पड़ेगा पर सेमेस्टर। और MCA में एडमिशन के टाइम आपको देना पड़ेगा 62,600, और बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको 40,000 करके देना होगा पर सेमेस्टर, ठीक है। सो अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड इस कॉलेज का। तो आप लोग देख सकते हो AOT का ये जो बैनर है, आप लोग देख सकते हो AOT 950 प्लस प्लेसमेंट हो गया है, एंड टोटल 44 कंपनीज अभी तक आ चुका है इन 2022 बैच, ओके। टोटल सबसे ज्यादा हुआ है, 950 प्लस जॉब्स मिला है, एंड इसका पूरा रिकॉर्ड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं पूरा चार्ट जो प्लेसमेंट शेड्यूल है 2022, 21, 20, 19 आपका पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। और इसमें आप लोग पूरा स्टूडेंट का नाम भी दे सकते हो, और टोटल एंट्रीज आप लोग देखो 959 टोटल एंट्रीज है, जो आप प्रीवियस नेक्स्ट करके देख सकते हो पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ठीक है। सो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा गया है इस साल। सो 2022 बैच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हो, अभी मैं 2021, 20 एंड 19 का दिखाऊंगा, ओके। सो 2021 में आप लोग देख सकते हो टोटल CSA में 179 प्लेसमेंट हो गया है, इसी में 142 हो गया है, डबल ई में 58 एंड IT में 62, ME में 38, MCA में 7, टोटल हुआ है 516 प्लेसमेंट, ओके। सो एवरेज जो सैलरी गया है आप लोग देख सकते हो 3.75 एवरेज सैलरी गया है, और हाईएस्ट सैलरी गया है 7 LPA, ठीक है। सो ऑनेस्टली ये AOT बोल रहा है, ऑनेस्टली बात करता है, कोई ऑफ कैंपस से पैकेज नहीं उठा है, ये ऑन कैंपस का बता रहा है, ठीक है। और बाकी ईयर का आप लोग देख सकते हो 2021, 20 एंड 19 का 94%, 103%, 91% हुआ है, ठीक है। सो ये रहा प्लेसमेंट रिकॉर्ड, पूरा आप लोग लिस्ट देख सकते हो, बायजूस में, कैपजीमिनी में सबसे ज्यादा मिला है, आप लोग देख सकते हो कॉग्निजन में सबसे ज्यादा, ये रहा कॉग्निजन का लिस्ट, इतना लंबा कॉग्निजन का लिस्ट, ओके। ASL में गया है, तो ये पूरा लिस्ट आप लोग देख सकते हो 2021 का, ठीक है। अभी आता है 2020 का, तो आप लोग देख 2020 में 172 प्लेसमेंट अप्रॉक्स हो गया है, 180 इंटेक कैपेसिटी है, और बाकी आप लोग देख सकते हो टोटल 516 जो 2020 में प्लेसमेंट हो गया था। तो इसका पूरा रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हो, ये रहा पूरा रिकॉर्ड, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना। और ये 2019 जो टोटल 449 टोटल प्लेसमेंट हो गया था, एंड CSE में 139, ओके, और बाकी ट्रेड में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी ट्रेड में जैसे कि IT, ME, MCA में देखो, ME में 57, यानी टोटल इंटेक कैपेसिटी कितना है 60 में अप्रॉक्स 99% प्लेसमेंट हो गया है, बाकी अदर स्टेट में, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, ओके, ऑलमोस्ट प्लेसमेंट सभी का हुआ है, खाली CSE का नहीं, सभी का हुआ है 90% करके, ठीक है। सो आप एकदम आंख बंद करके इस कॉलेज में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एकदम बिल्कुल आपको 100% आपको जॉब्स मिलेगा, ठीक है। दिस कॉलेज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वेरियस कंपनीज, ओके, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा इस कॉलेज से, ओके। सो आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो एक एडमिशन फॉर्म नीचे दिया होगा, आप लोग जाके उस एडमिशन फॉर्म को फिलअप करो, फिलअप करने के बाद कॉलेज से आपको फोन किया जाएगा, देन पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास लिया जाएगा, देन आप अगर इंटरेस्टेड होते हो तो कॉलेज आओगे, आके आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो फिल दिस फॉर्म इमिडिएटली, क्योंकि सीट बहुत ही ज्यादा कम है, ओके, एंड आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। सो अभी आते हैं, अगर इस कॉलेज में आप WBJEE के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा। सो WBJEE में अराउंड आपको 20,000 के अंदर रैंक रखना होगा CSE के लिए, और बाकी ट्रेड्स के लिए 30,000 अगर करते हो तो हो जाएगा, ठीक है। CSE में अराउंड आप पकड़ लो 15-20,000 आपको रैंक रखना ही होगा,
और अगर आप जिलेट के थ्रू जाते हो तो विद इन 2000 के अंदर आपको रैंक रखना होगा सीएससी के लिए, और बाकी टेट के लिए आपको 3000-4000 करते हो तो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सो इस कॉलेज में एक्स्ट्रा कोई डोनेशन हिडन चार्जेस नहीं है, जो एक्चुअल फीस है आपको वही देना पड़ेगा, सो डोंट वरी, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक करके जाना, और अगर ऐसे ही रिव्यू कोई अदर्स कॉलेज के ऊपर चाहते हो सो नीचे कमेंट में से कमेंट करना, जिस कमेंट में ज्यादा लाइक आएगा उस कॉलेज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, टेक केयर।